हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं लास्ट सोमवार का व्रत की साबुदाना बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक कटोरी के लगभग ये साबुदाना है, लगभग 25 से 30 ग्राम के लगभग साबुदाने हैं। ये चीनी मैंने हाफ कटोरी लिए हैं, मेजरमेंट से एक कप के लगभग चीनी है। ये हाफ के जी के लगभग मैंने दूध लिए हैं। किशमिश है, इलायची 2-3 मैंने लिए हैं सुगंध के लिए, बहुत अच्छा होता है। चिरौंजी मैंने थोड़े से लिए हैं। अब चलिए मैं पैन की तरफ बढ़ती हूँ। इधर मैंने एक चम्मच रिफाइन ऑयल डाल करके इसमें मैं अब साबुदाने जो हैं उसको अच्छे से आप साफ कर ले और उसे डाल करके भूने, और उधर मैं दूध को भी गर्म कर लूँगी पैन में। इस तरह से मिला लें, मिलाते हुए चलाते रहें और भून लें इसे लो फ्लेम पे। इस तरह आप देख सकते हैं साबुदाने भून चुके हैं अच्छे से। इसी तरह से आप भी भून लें। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए नीचे रख दूँगी। तब तक मैं गैस पे दूध चढ़ा दी हूँ। आप देख सकते हैं बड़े गिलास थे ये, 1/2 kg के लगभग, 1/2 kg से 750 के लगभग ये दूध है। अब इसे मैं अच्छे से उबालूंगी, तब तक साबुदाना ठंडे हो जाएंगे, तो मैं इसे इसमें डालूंगी। अब देख सकते हैं दूध गर्म हो चुके हैं, अच्छे से उबल चुके हैं। 2-3 बार आप भी उबाल लें अच्छे से दूध, उसके बाद में आप साबुदाना इसमें डाल करके ऐसे मिलाए। साबुदाने भी ठंडे हो गए हैं। अगर आप गर्म साबुदाने डालेंगे तो दूध फटने लगेगा और नीचे गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। आप भी इसी तरह से डालें और इसको बराबर कम फ्लेम करके मिलाते रहें। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से उबल रहे हैं। इसी तरह से आप चलाते रहेंगे तो नीचे से पकड़ेंगे नहीं और ये अच्छे से होंगे ही। लगभग इसमें 5 से 10 मिनट के लगभग लग जाते हैं। इधर मैंने इलायची और को कूट लिए हैं, अब इसी तरह से कूट लें। और मैंने चिरौंजी को भी इसमें डाल करके अब इसको आप अच्छे से मिक्स करते रहें और इसे इसी तरह ढके नहीं, इसी तरह से आप चलाते रहें, इसे गलने तक अच्छे से पकाते रहें। धीमी फ्लेम पे ही पका, नहीं तो दूध गिर जाएगा। चीनी सबसे लास्ट में मैं डालूँगी। इस तरह से आप भी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है ये खीर। और व्रत में अधिकतर लोग भोग भी लगाते हैं भगवान को, उजला प्रसाद भगवान शिव को बहुत प्रिय भी है और व्रत के लिए भी हो जाता है। फलहारी के रूप में इसे व्रत में यूज किया जाता है। आप भी इसके सेवन करें। आप देख सकते हैं पहले चलाने पे पतला दिख रहा था, ये धीरे धीरे देखिए किस तरह से ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसी तरह से ये, और आप साबुदाना भी देख सकते हैं, ये हल्का शीशे की तरह दिखने लगे हैं हल्का सा। और ये लगभग 1 मिनट के लगभग ये और पकेंगे, उसके बाद मैं इसमें चीनी मिला दूंगी। उसके बाद में आप ठंडा करके इसे अच्छे से मिला लें, गैस को बंद कर दें। इसे आप चाहें तो सर्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी, चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। एक दिन तक ये अच्छे से रह भी जाते हैं और ठंडे ठंडे खाने में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इलायची की फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी लगती है। किशमिश में से मैं अभी जब ये हो जाएंगे अच्छे से, देखिए ये हल्के हल्के उजले उजले आपको दिख रहे होंगे, वो थोड़ी देर में पूरी तरह से गल जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी से अभी इसमें गढ़ापन आने लगी है। शुरू शुरू में ये कितना पतला था आप लोगों ने देखा ही है। बस अब 1 मिनट की बात है, उसके बाद मैं आप लोगों को सर्व करते हुए दिखाती हूँ। अब आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। देखिए मैंने 1 कप के लगभग, चाय वाली जो कप होती है उसे मैंने लगभग 20-30 ग्राम के लगभग मैंने चीनी डाले। अगर आप अधिक पसंद करते हैं मीठा तो थोड़ा सा और 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना चीनी इसके लिए परफेक्ट है, अच्छा है। मैं गैस बंद करूंगी थोड़ी,
और आप लोगों को सर्व करते हुए मिलती हूँ। लीजिए, तैयार है साबूदाने का खीर आप लोगों के लिए। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, प्लीज़ मुझसे शेयर करें। मैंने और भी बहुत सारी पुडिंग की रेसिपी डाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे अगर मेरा रेसिपी आप लोगों तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। रक्षाबंधन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।